आई एम सॉरी माँ, मैं अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूँ और इसीलिए आपके इस जुर्म के लिए मैं आपकी बेल नहीं करवा पाऊंगा। थैंक यू माँ, थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए सारे जुर्म कबूल कर लिया, थैंक यू। माँ हूँ मैं तेरी और मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करूंगी। मेरे रहते हुए तुझे कोई छू भी नहीं सकता, पर इसीलिए मैंने तेरे सारे जुर्म अपने ऊपर ले लिए बेटा। एक माँ खुद को कितनी भी चोट दे सकती है, लेकिन अपने बच्चे पर खरोच भी नहीं आने देती। I know, don't worry at all. आपकी कुर्बानी, आपका सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं जाएगा। कभी भी किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपका आदी आपका अमन, वो दोनों तो मैं ही हूं ना, मैं ही हूं, वो मैं ही हूं जिसने उन सारी औरतों को मार दिया, निशा से लेके सविता तक, इवन वो पल्लवी आपके हाथों मैंने ही तो उसे मरवाया था, तो वो मैं ही हूं जिसने उन सभी को मारा या मरवा दिया। थैंक यू सो मच, मेरे सारे इल्जाम आपने अपने सर पर ले लिए। और माँ, आपने जो वो कहानी सुनाई थी ना मेरी काशु को और उस अर्जुन को, वो लोग तो उस पर यकीन करने लगे, उनको एक्चुअल में ऐसा लगने लगा कि मेरा कोई जुड़वा भाई है अमन नाम का, पर वो जानते ही नहीं कि अमन नाम का तो कोई है ही नहीं, अमन और आदि दोनों मैं ही तो हूँ। हाँ, वो कहानी हमने इसलिए रची थी ताकि किसी को हम पर शक ना हो, इसीलिए तो मैंने अपना नकली जुड़वा भाई अमन बनाया और मेरे सारे मर्डर्स के इल्जाम उस पर लगवा दिए। वो निशा को मुझ पर शक हो रहा था क्योंकि उसने वो बर्थ मार्क मेरे गर्दन पर देख लिया था, पर सवाल ये है कि क्या तुम्हें सब पता है? हाँ, मैं सब सच जान गई हूं। निशा को मारने के बाद फिर मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन फिर से उस नकली अमन ने गलती कर दी और वो बाहर चला गया और वहां पर अर्जुन ने उसके सर पर अटैक कर दिया। मैं बार में बैठा था, अर्जुन मुझे पकड़ने के लिए मेरे पास आने लगा, तो मैं बचने के लिए वहां से भागने लगा, और जब से बच के भाग रहा था तो अर्जुन ने मुझे एक बोतल फेंक के मार दी और वो बोतल मेरे सर में जाकर लग गई और ये उसी का घाव है। What? अर्जुन ने तुम्हें देख लिया और तुम मुझे अब बता रहे हो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमसे कहा था ना कि इस रूम से बाहर मत निकला, फिर क्यों निकले? हम दोनों के लिए पंगे खड़े हो जाएंगे। ओह गॉड, अमन को ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसीलिए हमारे हैदराबाद जाने के बारे में उसे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन ओवर स्मार्ट अर्जुन, उसे सच पता चल गया कि तुम हैदराबाद नहीं गए थे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।